हेलो फ्रेंड्स, डीआरडीओ सेप्टेम 10 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में डिटेल से नोटिफिकेशन देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट भी स्टे भी कि लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे कि कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। टोटल 1901 पोस्टों में वैकेंसी आई हुई है, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी स्टे बी और टेक्नीशियन ए। जो भी आपका क्वालिफिकेशन एज ये सब चीज़ काउंट होगा, 23 सितंबर से पहले का कंप्लीट होना चाहिए आपका, जो भी डिप्लोमा आईटीआई हो बीएससी हो, और एज भी 23 सितंबर से काउंट होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 3 सितंबर से और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 23 सितंबर, 20 दिन ही मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही लिंक ओपन होगा तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में सर्वर भी बिजी हो जाता है। सबसे पहले सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी स्टे बी के बारे में देखते हैं। पे स्केल है इसका लेवल 6 का, 35,400 से इतना है और 7 CPC पे मैट्रिक्स अदर अलाउंस भी मिलेगा। एज लिमिट के बारे में दे रखा है, एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है, जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अगर कोई डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है तो वो अपना बीटेक शो नहीं करेगा इसमें, क्योंकि बाद में रिजल्ट में नॉट क्वालिफाई दे देगा। अगर आपका नंबर कट ऑफ के ज़्यादा भी होगा तो कट ऑफ से ज़्यादा तो नॉट क्वालिफाई दे देगा। इसलिए जो लोग भी डिप्लोमा प्लस बीटेक किए होंगे वो बीटेक इसमें शो नहीं करेंगे। और AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका कोर्स जो भी हो। अब देखिए, एग्रीकल्चर में टोटल 10 सीट है जिसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर साइंस क्वालिफिकेशन मांग रखा है। ऑटोमोबाइल में टोटल 15 सीट है, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मांग रखा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। बोटानी में टोटल 3 सीट है, केमिकल में 35 सीट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांग रखा है। केमिस्ट्री में टोटल 58 सीट है और सिविल में टोटल 25 सीट है जिसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांग रखा है। कंप्यूटर साइंस में टोटल 167 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 17 है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 68 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 31 है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में टोटल 192 सीट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखा है बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 17 सीट है, लाइब्रेरी साइंस में 23, मैथमेटिक्स में 13 जिसके लिए बीएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स मांग रखा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा सीट है 294 जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मेंटेनेंस बाय AICTE से। मेट्रोलॉजी में टोटल 21 सीट है, मेडिकल लैब में 16, फोटोग्राफी में 8, फिजिक्स में 32, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 5, साइकोलॉजी में 11, टेक्सटाइल में 5 और जूलॉजी में 9 सीट है। टोटल 1,075 सीट है स्टे बी में। और अब देखते हैं टेक्नीशियन है, तो ये आईटीआई वालों के लिए है। ऑटोमोबाइल में टोटल 5 सीट है, बुक बाइंडर में 20, कारपेंटर में 12, सीएनसी ऑपरेटर में 9, COPA में 139 है, ड्राफ्टर एंड मैकेनिकल में 35 है, DPT ऑपरेटर में 9 सीट है, इलेक्ट्रिशियन में 106 है। तो ये आईटीआई वालों के लिए है। फीटर में टोटल 127 है, ग्राइंडर में
सात है, मैकेनिस्ट में 39 है। ये सीट आप लोग देख लीजिएगा, इस पर टोटल 826 पोस्टों पे वैकेंसी आई हुई है। अप्लाई करने के बारे में मैंने बतला ही दिया है कि 3 सितंबर से स्टार्ट होगा अप्लाई करने का, लिंक एक्टिव हो जाएगा और लास्ट डेट है 23 सितंबर। और रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे छूट होता है वैसे होगा इसमें। अप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया फीस लगेगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, अदर कैटेगरी का कोई फीस नहीं लगेगा। और एग्जामिनेशन सिटी फॉर टीयर 1 CBT एग्ज़ाम होगा, तो उसके बारे में दे रखा है। इन सिटी में सेंटर बनाएगा, टोटल 39 सिटी है। यूपी में गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर सेंटर बनाएगा। तो आप लोग कई पोस्टों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपके पास कई क्वालिफिकेशन है तो, लेकिन सेम डे एग्ज़ाम पड़ेगा तो एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टे भी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में टीयर 1 और टीयर 2 होगा। टीयर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और नॉन टेक्निकल होगा। टीयर 2 फाइनल सिलेक्शन टीयर 2 के नंबर के आधार पर ही होगा। और टीयर 2 में टेक्निकल आएगा आपके ब्रांच से रिलेटेड। टीयर 1 में नॉर्मलाइजिंग होगा। और अब बात करते हैं टेक्नीशियन 1 के लिए, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में भी टीयर 1 CBT एग्ज़ाम होगा और टीयर 2 ट्रेड टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन इसका टीयर 1 के नंबर के बेस के आधार पे होगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इसमें। और एग्ज़ाम का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अब देखते हैं टेबल 1 जो दे रखा है स्टे बी के लिए, तो CBT एग्ज़ाम स्क्रीनिंग मतलब बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ऑल पोस्ट के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, बेसिक नॉलेज इंग्लिश का आएगा। और उसके बाद जनरल साइंस इन सेक्शन से आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन आएगा 120 नंबर का, और जिसके लिए 90 मिनट टाइम मिलेगा। उसके बाद टीयर 2 जो होगा वो आपके ब्रांच से रिलेटेड होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का टाइम मिलेगा, 90 मिनट। और टीयर 2 के ही नंबर के आधार पे फाइनल सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क दे रखा है टीयर 1 में 40% अनरिजर्व OBC के लिए और 35% SC ST के लिए। और एक सीट पे 8 कैंडिडेट को बुलाएंगे टीयर 2 के लिए। अगर कई कैंडिडेट का नंबर सेम होगा तो ज़्यादा भी बुला सकते हैं इससे। अब टीयर 2 के आधार पे ही फाइनल मेरिट बनेगा। तो टीयर 2 में मिनिमम अनरिजर्व OBC को 40% नंबर लाना ज़रूरी होगा और 35% SC ST को नंबर लाना ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं टेक्नीशियन 1 ITI वालों के लिए, तो इनका भी टीयर 1 टीयर 2 होगा। टीयर 1 CBT एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 सेक्शन होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में एप्टीट्यूड आएगा, जनरल रीजनिंग आएगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा और इंग्लिश का बेसिक नॉलेज। और सेक्शन 2 में ब्रांच रिलेटेड आएगा, जो भी ट्रेड होगा, डिसिप्लिन होगा। सेक्शन 1 40 नंबर का, सेक्शन 2 80 नंबर का आएगा मैक्सिमम मार्क, 120 नंबर का होगा और 120 क्वेश्चन आएगा। टाइम मिलेगा 90 मिनट। और टीयर 2 होगा ट्रेड टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिजिकल टेस्ट टाइप का, एक या 2 घंटे का होगा। टीयर 2 के लिए एक सीट पे 8 कैंडिडेट को बुलाएंगे इसमें भी। और टीयर 1 में मिनिमम 40% अनरिजर्व OBC के लिए नंबर लाना ज़रूरी होगा और
35% SC ST को नंबर लाना जरूरी होगा। अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सेंड नहीं करना है, उसके बारे में लिख रखा है इसमें। अब देखते हैं SEPTEM 9, जो DRDO SEPTEM 9 की वैकेंसी आई थी 2018 में, उसका Tier 1 STB पोस्ट का कट ऑफ देखते हैं। तो टोटल 150 नंबर का पेपर हुआ था, एग्रीकल्चर का कट ऑफ गया था 116, अनरिजर्व का OBC का 113 गया था, ऑटोमोबाइल का 108 गया था, OBC का 102 गया था और ST का 78 गया था। तो मैं बस अनरिजर्व कट ऑफ बतला दे रहा हूँ और अपना कट ऑफ देख लीजिएगा कैटेगरी का। आप लोग बटोनी का 123 गया था अनरिजर्व का, केमिकल का 97 गया था, केमिस्ट्री का 124 गया था, सिविल का 116 गया था, कंप्यूटर साइंस का 112 गया था कट ऑफ 150 में, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 105 गया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 114 गया था, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का 96 गया था कट ऑफ अनरिजर्व का, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 111 गया था अनरिजर्व का, जियोलॉजी का 114 गया था, इंस्ट्रूमेंटेशन का 105 गया था, लाइब्रेरी साइंस का 94 गया था, मैथमेटिक्स का 126 गया था। हाईएस्ट कट ऑफ इसी का लग रहा है मैथमेटिक्स का Tier 1 का, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 115 कट ऑफ गया था, जनरल का OBC का 111 गया था, मेट्रोलॉजी का 104 गया था, फोटोग्राफी का 82 गया था, फिजिक्स का 125 गया था, उसके बाद जियोलॉजी का 123 गया था। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फ्रेंड।